स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हम किताबें पढ़ सकते हैं, व्याख्यान सुन सकते हैं और मीलों बात कर सकते हैं, लेकिन अनुभव ही एकमात्र शिक्षक है, आंखें खोलने वाला है। हर कोई चाहता है कि दूसरे लोग उसकी इज्जत करें और उसकी बात की वैल्यू हो। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि वह कुछ भी करते या बोलते हैं पर कोई भी उस इंसान की वैल्यू नहीं करता है। कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिसकी हर एक बात और काम की वैल्यू दूसरे लोग हद से ज्यादा करते हैं। इन दोनों इंसान के अंदर कुछ चीजों का अंतर होता है जिसको आप अपने अंदर शामिल करके अपने इज्जत को बढ़ा सकते हैं। चलिए हम जानते हैं कि आप कैसे अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आप सबसे पहले अपनी खुद की वैल्यू खुद से करें। यदि आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो आपकी वैल्यू कोई दूसरा नहीं करेगा। किसी भी काम को पहले खुद करना चाहिए। जब आप खुद की वैल्यू करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आप कितने खास हैं और कौन आपकी अलसी वैल्यू समझ सकता है। क्या आप किसी के लिए कभी भी अवेलेबल रहते हैं? जब भी उस इंसान की जरूरत होती है आप उसके पास पहुंच जाते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी वैल्यू वह इंसान कभी समझ ही नहीं पाएगा और न ही वह इंसान आपकी वैल्यू करेगा। इसका आसान सा कारण है, जो चीज ज्यादा अवेलेबल होती है उसका दाम कम होता है और जो चीज जरूरत से कम होती है तो उस चीज का दाम ज्यादा होता है। यह नियम आप पर भी लागू होता है। आज से ही आप किसी के लिए ज्यादा अवेलेबल न रहे। आप जितना ज्यादा जरूरत से कम अवेलेबल रहेंगे दूसरे आपकी उतनी ज्यादा वैल्यू करेंगे। क्या आप किसी से हद से ज्यादा बातें करते हैं? क्या आप ज्यादा बोलते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बात की वैल्यू कोई नहीं करता होगा। आप चाहे जितना अच्छा बोलते हो या ज्ञान देते हो पर आप हद से ज्यादा बोलते हैं तो आपके बात और ज्ञान की वैल्यू कम हो जाती है। हमें अक्सर कुछ ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो बहुत ही कम बोलते हैं। कम बोलने वाले की हर एक बात दूसरे पूरे ध्यान से सुनते हैं। आप भी अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कम से कम बोले। आप जितना कम बोलेंगे आपके बात की उतनी ज्यादा वैल्यू भी आ जाएगी। आपको लग सकता है कि आप अपना समय किसी दूसरे के लिए बर्बाद नहीं करते हैं पर ऐसा बहुत कम लोगों के साथ ही होता है जो दूसरे किसी के लिए अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करते हैं। आप दूसरे का इंतजार करके, बिना मतलब के बातें करके, साथ रहकर आधी तरीके से अपना समय बर्बाद करते होंगे। आप खुद ही एक बार सोचे कि आप किस तरह से अपना समय बर्बाद करते हैं। यदि आप अपना समय बर्बाद करते हैं तो आपको आज से ही अपना समय बर्बाद करना रोक देना चाहिए। आप दूसरों को खुश करने के लिए अपना समय बर्बाद करते हैं पर दूसरे समझते हैं कि आपके पास कोई काम नहीं है। आप उनके लिए हमेशा मौजूद है जिसके कारण आपकी वैल्यू कम हो जाती है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह अपनी तारीफ हद से ज्यादा करते हैं। वह बस एक बार अपनी तारीफ करना शुरू कर देते हैं तो अपनी तारीफ करना बंद ही नहीं करते हैं। जो इंसान अपनी तारीफ ज्यादा करता है उस इंसान का वैल्यू भी कम हो जाता है। इस तरह के इंसान कुछ भी नहीं करते हैं, अपना और दूसरे का बस समय बर्बाद करते हैं। आप इस तरह की गलती ना करें। यदि आप कुछ ऐसा करते हैं जिसके बदले आपको तारीफ सुनना चाहिए तो दूसरे खुद ही तारीफ करेंगे। जब हम कहते हैं कि आप अपनी पहचान बनाएं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप बस सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाएं। सोशल मीडिया के साथ ही साथ अपने आसपास में और अपने दोस्तों में भी अपनी एक अलग पहचान बनाएं। बस सोशल मीडिया ही सब कुछ नहीं होता है। आपके आसपास का पहचान आपको हद से ज्यादा वैल्यू देगा। आप जिस तरह का अपना पहचान अपने दोस्तों के साथ बनाएंगे आपके दोस्त भी आपको उस प्रकार का ही वैल्यू देंगे। आप अपनी पहचान अपने काम और सफलता से बना सकते हैं। बिना ज्ञान वाले इंसान की वैल्यू अक्सर कम होती है। बस स्कूल और कॉलेज का ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता है। ज्ञान कई तरह का होता है। आप अपने अनुसार से अच्छा ज्ञान लें। आपके पास जितना ज्ञान होगा आपकी वैल्यू उतना ज्यादा ही बिया अच जाएगी। ज्ञान होने से आप किसी से बात भी कर पाएंगे। बिना ज्ञान के किसी से बात करना मुश्किल होता है। ज्ञान रखने के साथ ही आप अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा करें। आप अपने ज्ञान को अपने काम से दूसरों को दिखाएं ताकि दूसरे जान पाए कि आपके पास ज्ञान है। बस ज्ञान हासिल करना ही सब कुछ नहीं होता है। आखिरी पर बहुत ही जरूरी है, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आप सफलता को हासिल करें। एक सफल इंसान की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। सफल इंसान की वैल्यू हर कोई अच्छे से जानता है। एक असफल व्यक्ति की वैल्यू कोई नहीं करता है। आप ऊपर बताए गए सभी नियम को पालन करके अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं पर अपनी वैल्यू ज्यादा बढ़ाने के लिए और बढ़ाए रखने के लिए आप कामयाबी की ओर बढ़े। आप जिस दिन सफल हो जाएंगे उस दिन आपकी वैल्यू और ज्यादा बा आ जाएगी। हमारे अनुसार हमें जल्द किसी को वचन नहीं देना चाहिए।
जब ऐसा समय आ जाए जब हमें वचन देना ही पड़ी डे, तभी हमें कोई वचन देना चाहिए। पर आप वचन देने से पहले ही सोच ले कि आप कैसे अपने वचन को पूरा करेंगे। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आप जब भी कोई प्रॉमिस करें तो उसको समय के अनुसार पूरा कर दे। आप कभी भी अपने प्रॉमिस को अधूरा ना छोड़े। प्रॉमिस अधूरा छोड़ने के कारण आपकी वैल्यू कम हो सकती है। कभी कभी अच्छा होता है अच्छा नहीं होना, मतलब हमेशा हाँ कहने से आप अच्छे नहीं हो जाते। कोई भी काम जो गलत है या आपके लिए संभव नहीं है, साहस पूर्वक नहीं कहना ज्यादा अच्छा होता है। इस तरह से आप कई तरह की समस्याओं से बच सकते हैं। अच्छा ना होना भी कभी कभी अच्छा आता है। जैसे अगर कोई गलत स्टेप लेने जा रहा है और आपको पता है कि यह गलत है, इससे नुकसान होगा, फिर भी आप सहस करके ना नहीं कहे और उसी वही काम करने दे, तो यह गलत होगा। जरूरत पड़ने पर ही बोलने की कोशिश करें। जब जरूरत ना हो तो बेकार की बात ना करें और लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे, भले ही आप गंभीरता से बात कर रहे हों। ज्यादा बोलने वाले की कोई वैल्यू नहीं होती। कभी कभी मौन उससे ज्यादा कह जाता है जो बोलकर नहीं कहा जा सकता है। साइलेंस इज मच पावरफुल देन स्पीच। अगर आप अपनी वैल्यू बना चाहते हैं, बेकार के तर्क वितर्क से बचे। इग्नोर करना सीखे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा चुप रहे, अपना पक्ष ना रखे, लेकिन कीचडड में पैर मारने से अपने कपड़े गंदे होते हैं, इसलिए निचली श्रेणी के लोगों से वाद विवाद से बचना चाहिए और अपनी इमेज का ध्यान रखना चाहिए। या तनावपूर्ण स्थितियों के दौरान संघर्ष से बचना हमेशा मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि काम से संबंधित विवादों में अच्छे संचालकों के लिए भी संभालना मुश्किल हो सकता है। काम कैसे करना है इस पर ध्यान दें, क्यों पर नहीं। आधुनिक नौकरियों से संतोष क्यों नहीं मिलता। क्या हम अपने काम में क्यों ढूंढने की गलती कर रहे हैं, जबकि हमें कैसे का जवाब तलाशने की जरूरत है। हमेशा अपने काम पर ध्यान दे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। काम पर फोकस का अर्थ यह है कि कोई कैसे ध्यान देता है या ध्यान केंद्रित करता है। उत्तर देने में जल्दबाजी न करें, अपना समय लें। उत्तर देने से पहले ठीक से सोचें। कहा जाता है कि वादा मत करो। जब आप खुश हों तब निर्णय न लें, जब आप क्रोधित हों। हर समय एकदम निर्णय लेना जरूरी नहीं होता है। जब कोई निर्णय लेना हो, सोचो समझो, उस काम के फायदे और नुकसान सोचो, सब कुछ सोचकर तब निर्णय ले और फिर उस पर अमल करें। इसमें कोई शक नहीं है कि पैसा बहुत बड़ी चीज है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। आजकल के समाज में जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत है, उसकी वैल्यू है। चाहे वो कैसी भी शक्ल सूरत का हो, चाहे वो गोरा हो या काला, ये कोई महत्व नहीं रखता। चाहे वो गलत हो या सही, पैसा सब ऐब ढक देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत तरीके से पैसा कमाएं, लेकिन कुछ भी हो, हमेशा अपनी आय बढ़ाने के प्रयासों पर काम करते रहे। आय के कई स्रोत उत्पन्न करने का प्रयास करें। अमीर लोग हमेशा धन की कई धाराएं बनाने की कोशिश करते हैं और आय के एक स्रोत पर निर्भर नहीं रहते हैं। हर अमीर आदमी एक से ज्यादा पैसा कमाने के जरिए बनाते हैं। अगर किसी समय एक स्रोत काम नहीं करता है तो उस समय अन्य स्रोत से पैसा आ रहा होता है। कोई भी कभी ये नहीं कह सकता कि अब मैं सर्वगुण संपन्न हो गया हूँ, मुझे दुनिया के सब ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। ज्ञान की प्राप्ति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हर आदमी जीवन भर कुछ सीखता रहता है और हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को बाकी रहता है। जिसका सीखना रुक गया, समझो उसकी तरक्की रुक गई। जिसकी सीखने की इच्छा रुक गई, मतलब उसका जीवन रुक गया।